दोस्तों मोटोरोला का मोटो G13 4G स्मार्टफोन को लॉन्च डेट कंफर्म किया है इंडिया में, जो कि लॉन्च हो रहे हैं। अब देखना यह है कि सेम फीचर जो यूरोप कंट्री में लॉन्च हुआ था उसी सेम फीचर्स में इंडिया में लॉन्च करेगा या फिर नहीं, तो देखते हैं क्या कुछ बदलाव इसमें है। और बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन G13 में आपको डिज़ाइन के मामले में थोड़ा सा अपग्रेड किया है। प्राइस को लेकर, लॉन्च डेट को लेकर और फीचर्स को लेकर सारी चीज़ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि मोटोरोला का मोटो G13 4G में तो आपको 1600x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाला 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है। ये फोन स्क्रीन की IPS LCD पर बनी है जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट पर काम करती है। इसमें पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। मोटो G13 को एंड्रॉयड 13 पर पेश किया गया जो कि 2.0 GHz क्लॉक स्पीड वाले मीडियाटेक क्लियो G85 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पे काम करता है। ग्राफिक्स के लिए फ़ोन में माली G52 MC2 GPU दिया गया है। पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी के साथ आपको 10W का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मोटो G13 4G में मोबाइल पर एयर कैमरा का सपोर्ट है। 1.8 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है जो इसके 2MP का माइक्रो लेंस और 2MP डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। मीडियाटेक क्लियो G88 है, चिपसेट है जो कि कमाल का है। प्राइस की जहां की बात करें और लॉन्च डेट की बात करें, लॉन्च डेट आपको बता दूं कि ये अगले हफ्ते मतलब किसी मार्च के एंड में लॉन्च होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आप जाकर फ्लिपकार्ट पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, अमेजोन पे भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। अब लेकिन कहना यह है कि प्राइस क्या हो सकती है, अब ये देख लीजिए कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी है, 90Hz और IPS LCD पैनल है, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास में, ये चीज़ रूमर्स बता रहा हूँ, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है, ये कितने में हो सकती है, कोई रूमर्स अभी तक खुल के नहीं आए। हो सकता हो कि आप कहीं और से टिप्स कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो है तक, यदि वीडियो को पसंद आ जाए तो आप लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।